कल आपने एकदम इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ा ना वीडियो। हाँ, जोला का अडॉप्शन तो बहुत ही फर्स्ट क्लास हुआ इस बार। आप बहुत खुश होंगे क्योंकि ये चटोरी का रेस्क्यूअर था। वेट, चटोरी का रेस्क्यूअर तो मैं हूँ। नहीं, फर्स्ट वन। उनके पास ऑलरेडी एक जर्मन शेपर्ड है, वो आउट पेशेंट के लिए आते थे यहाँ पे, तो मुलाकात होती थी उनसे। तो उन्होंने झोला का पोस्ट देखा होगा तो उन्होंने इंटरेस्ट जताया। और हालांकि हमारा क्राइटेरिया था कि हम ऐसे घर में उसका अडॉप्शन कराएंगे जहाँ पे कोई और डॉग ना हो, क्योंकि झोला थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन अमित जो उनका नाम है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि वो हैंडल कर लेंगे। आई थिंक वो तो सेटल वो हो गया है सेटल, क्योंकि उसका जो पहला डॉग है रैम्बो, वो झोला को लीश पे लेके, मतलब अपने मुंह में लीश पकड़ता है उसकी और झोला को साथ में लेके जाता है, और खुद उसको लीश की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना ट्रेंड है रैम्बो जो है। तो हम तो यही करेंगे रैम्बो ने झोला को अडॉप्ट किया। ये तो यही तुम्हारी इंस्पिरेशन है कि जो तुम डॉग ट्रेनिंग कोर्स अब तुमने शुरू किया है? हाँ, कह सकते हैं। Nice. मास्टर जी अडॉप्ट हो जाएगा अपनी सूजी आंख के साथ अब? नहीं नहीं सर, आंख उसका बेटर है, जो छोटे से किसी कीड़े ने काटा होगा जिसके वजह से सूजन हो गई थी उसे, और 3-4 दिन के एंटीबायोटिक और पेन किलर से अभी वो बेटर है। तो उसका अडॉप्शन मास्टर जी के लिए कॉल्स काफ़ी आई थी हमें, स्पेशली जब उसकी वीडियो गई थी उसके कंडीशन के बारे में, तभी बहुत लोगों ने कॉल किया था। लेकिन कॉल्स जो है बड़ी दूर दूर से आती है हमें, प्लस हम बहुत सिलेक्टिव भी है इन आर अडॉप्शन प्रोसेस। इसके लिए हमारा एक प्रोसेस है, हम इंटरव्यू लेते हैं, होम वीडियो पूछते हैं, तो उन सब वो सब देखने के बाद भी हमें डिसाइड करना है। हम अडॉप्शन ऐसे कराते हैं जैसे भाई अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे झोला के लिए मुझे ऑलमोस्ट लाइक 150 कॉल्स आए होंगे, तो वी आर वेरी सिलेक्टिव हमारे अडॉप्शन में। तो लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन हमें बहुत फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे जाने के बाद अगर अडॉप्शन हमारा फेल हो जाता है तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं रहता कि वो डॉग को हम उस समय तो हम वापस नहीं ला पाएंगे उसको यहाँ, तो वहाँ से कहाँ भेजे उसे, तो ले देखे। तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ले देखे हमारे पास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल ही बचता है, या मुंबई। मुंबई जैसे हम भेज सकते हैं फ्लाइट से, थोड़ा महंगा पड़ता है, पर क्योंकि 50% कॉस्ट आप लोग कवर करते हैं, 50% हम कवर करते हैं, तो हो जाता है। अगर अच्छा घर हो तो हम मुंबई तक भी भेज देंगे। हमारे 3 डॉग रिलीज भी हुए ना, चमकीली, अकेली एंड तैमूर। हाँ, तो इन 3 को आपने अडॉप्शन नहीं ट्राई किया? नहीं सर, चमकीली तो जैसे वो काफ़ी बूढ़ी डॉग थी और अपने एरिया में थोड़ा उसका कंफर्ट जोन है, वहाँ वो सही से रहती है, उसको ध्यान देने वाले भी लोग हैं वहाँ पर, केयर टेकर्स हैं। और जैसे तैमूर था तो वो 3-legged है, लेकिन जब वो पिछली बार हमने रिलीज़ किया था और वो इस बार आया, उसकी कंडीशन में बहुत पॉजिटिव चेंज था। वो वूंड के साथ आया था जो कि डॉग फाइट में हुआ होगा, लेकिन जो उसका बॉडी वेट था वो गेन हुआ, और भी केयर टेकर्स मिल गए, क्योंकि एक होता है ना लोग ध्यान देने लग जाते हैं, अच्छा ये तो तैमूर है, अच्छा ये तो जामुन है। हमें बहुत कॉल आती है और नाम लेके कॉल आती है कि मैम जामुन देखा है बोल के। जैसे अब अकेली थी तो उसके वहाँ पर गाँव में सारे लोग ध्यान देते थे और उसका न्यू स्पेस सर्जरी भी हो गया था, डॉग खुश थी वहाँ पे। ट्राई नहीं किया इनका अडॉप्शन का? या अब ये अगर वहाँ पे सेटल्ड है, वहाँ पे खुश है अपने एरिया में, डॉग वाइट तो चलो ठीक है, वो तो कॉमन बात है, लड़ाइयाँ हो गई, लेकिन लोगों की तरफ से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन डॉग्स को। हेल्दी थे, मोटे थे, अच्छे खासे डॉग्स थे ये, और जो उनकी ज़रूरत थी जो स्पे और न्यूटर सर्जरी, वो हमने पहले ही कर दी थी, तो मेरे हिसाब से बेटर है कि हम उनको। तो हम उन अडॉप्शंस को पुश करते हैं जो यहाँ जो बाहर बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे पपीज है, उनकी तो आदत यहाँ पर हो जाती है अगर बचपन से आए हुए हैं, तो फिर वो बाहर जाके सर्वाइव। क्या कोई अबैंडनड ब्रीड डॉग, अबैंडनड ब्रीड डॉग हो? हाँ, क्योंकि ब्रीड डॉग्स को जो दूसरे डॉग है, एक तो वो ऐसे ये क्या आ गया है हमारे एरिया में ऐसे देखते हैं और सीधा उसके पीछे पड़ जाते हैं। ब्रीड डॉग्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते मोस्टली, ब्रीड डॉग्स को बाहर कंडीशन वो नहीं सर्वाइव कर सकते इंडी डॉग की जैसे ना बाहर, उनको बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज, स्किन कंडीशन ये सारे होने लगता है, तो इसलिए वो प्रायोरिटी देनी पड़ती है उनको। फिर एक तो तैमूर लंग का जो था ना नाम पे हमें बड़ी हेट मिली कि आपने इसका नाम तैमूर लंग रखा है, तो अब ये जो हमारा एक शरीफ सा डॉग आया जिसके चक्कर में ज्योति कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसके लिए आप सजेस्ट करिए हम उसका नाम क्या रखें? नाम तो हम इसका जो मर्जी रख देंगे, इसका करना क्या है? क्योंकि कल जब वो आए थे भाई साहब तो वो ये कह रहे थे कि अब उनका पेट है। सर कोई भी सेंटेंस वो क्लियरली नहीं बोल रहे, बस वो अग्रेसिव हो गए। कई बार उन्होंने बोला हाँ मेरा पेट है, कई बार उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करवा सकते हो, जहाँ से लिए आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, जो बात हुई है उसे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं आप देखो बोल रहे हो ना कि मेरा इन्फॉर्म करना बनता है ना आपका। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको लेके जाऊंगा, कार लेके आऊंगा ना, उसको लेके जाऊंगा मैं। नहीं सर, मैं उसको ऐसे नहीं दे सकते, आपने रेस्क्यू करवाया है वो दे। तो मैं ले भी सकता हूँ उसको। क्यों सर, आपने फॉर्म में नो लिखा है आपका पेट नहीं है उस टाइम। नहीं उसने पढ़ने दिया मेरे को, नहीं पढ़ने दिया उसे, नहीं लिख दिया कुछ नहीं। आपका पेट है या नहीं मुझे बस इतना। हाँ मारा है, पेट है हुआ तो आपने क्यों रेस्क्यू करवाया यहाँ पे? हमारा ये गांव वाले का पोते का किसी भूल भड़का आ गया था, कुत्तों के साथ लड़ाई की, उसके बाद इसको जख्मी। तो मेरा हक है कि मैं उसको एक अच्छा घर दिलवा सकूं।
हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिससे यही लग रहा है कि पेटी है, क्योंकि उन्होंने जब रेस्क्यू फॉर्म में सिग्नेचर किया था उसमें उन्होंने पूरी डिटेल भरी, एज, वेट, नाम, सब कुछ उन्होंने भरा उसके लिए। उसके बाद डॉग लीश पे लेकर आए, वो डॉग यहाँ पर भी नॉर्मल, अगर हम उसको गोदी में, जैसे हम गोदी में उठा के रख देते हैं डॉग्स को कैनल में, लेकिन जब इसको अगर गोदी में उठाने की कोशिश करो तो ये अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अगर वही चीज़ लीश आराम से डलवा लेगा, लीश पे अंदर लेके जाओ तो वो चले जाता है साथ में। तो आप बेसिकली ये वही केस है जैसे लोग हमारे को अब्यूज़ करते हैं कि भाई अपने पेट का फ्री में इलाज कराने के लिए बोल दो। जब हमने उनको बोला था कि हम इसको ट्रीट ऑन ट्रीट के लिए वापस रिलीज़ करेंगे, तब उनका कोई कॉल बैक नहीं आया हमें। आज जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अपडेट कैसा है डॉग, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, तो मैंने उनको बताया कि डॉग तो ठीक है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा अडॉप्टर हमें मिला है, कोई सामने से इंटरेस्ट दिखा रहा है डॉग में, और घर वगैरह सब अच्छा है, तो हम उसे अडॉप्ट कराएंगे, तो हीलिंग भी यहीं होगी और न्यूटर सर्जरी भी हम यहीं करके उसे अडॉप्ट कराएंगे। तो वो एकदम से अग्रेसिव हो गए कि नहीं आप ऐसे कैसे अडॉप्ट करवा दोगे, जब आपने बोला था कि डॉग जहाँ से लिया है, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, जहाँ से हम लेंगे वहीं हम छोड़ेंगे, बट अगर अडॉप्ट नहीं होता तो ही छोड़ेंगे ना, अगर अडॉप्ट होगा तो हम क्यों छोड़ेंगे। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया, वो आ भी गए थे तुरंत, और उसके बाद तो फिर उसके बाद तो जो हुआ थोड़ा तो मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था, मुझे उनको बाहर निकालना पड़ा। पहले आपकी बेटी फोन करके गालियां दे रही है हमारे स्टाफ को, वी आर नॉट आंसरेबल टू यू, कैसी बेकार की बात कर रहे हो, उनको बाहर करो भाई। मुझे नहीं समझ में आता, शायद लोग समझते नहीं है कि एनजीओस क्या हैं या एनजीओस का उत्तरदायित्व तो किसे है। अब ये जो एनजीओ है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो लोग हमें डोनेट करते हैं हम उन्हें आंसरेबल हैं, हम अपनी कॉन्शियंस को आंसरेबल है, क्योंकि हम उसी के लिए तो जानवरों की मदद कर रहे हैं, पर हम लोगों को आंसरेबल नहीं है, और ख़ासकर उन लोगों को जो झूठ बोल के अपने जानवर का इलाज यहाँ पे कराते हैं, और ये तो बहुत पैटर्न सा बन गया है। जबकि हम कहते हैं हमारा ओपीडी है, 50 रुपये उसमें कंसल्टेशन है, और उसमें भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता दवाई की कॉस्ट तो वो भी हम वेव ऑफ कर देते हैं, उसके बावजूद लोगों को ये है कि भाई हमारे घर आके ट्रीट कर दो हमारे पेट को, इसलिए वो झूठ बोल देंगे कि भाई ये तो स्ट्रे एनिमल है, इसको चोट लग गई है, तो गुस्सा चढ़ना तो फिर नेचुरल है। नॉट दैट कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट खैर जो एक बुल आया है जो बहुत ज़्यादा पतला सा ही खड़ा, इसका नाम हमने दीनू काका रखा है, अब इसको जब तुम लोग पकड़ने गए हो तो इसमें गन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, नहीं। ये तो बस खड़ा हुआ था, बहुत ही एक तो वीक है और शांत बैल है ये तो। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि साहिल स्पेशली स्पीति आने से पहले वो डॉक्टर हिमांशु को जो दो सर्जरीज हुई उसके बारे में मैं थोड़ा कंसर्न था, एक तो छोटा भीम और एक अप्पू जिनकी बहुत सिमिलर थी इंजरीज, हाँ, टेस्टिकल्स में जो वुंड, तो अप्पू की तो हमने कास्ट्रेशन कर दी थी, तो उसकी फिर सर कास्ट्रेशन हमने कर दी थी, उसके अगले दिन बहुत ब्लीडिंग हो गई, जो कि पॉसिबल था क्योंकि उसका जो इंजरी था वो टेस्टिकल्स में ही था, हमने फिर जो भी रिक्वायर्ड इंजेक्शंस थे वो सारे लगाए, लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो हमें तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर मानचू कहते हैं उनको लाइगेशन करनी, लाइगेशन बांधना पड़ा, हाँ जी, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अभी वो ठीक है, उसके एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो पॉसिबल था होना। दूसरा जो छोटा भीम है उसकी तो सर्जरी अच्छे से हो गई, उसका एंटीबायोटिक का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, हीलिंग चल रही है अच्छी उसकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। एक बुल होम वी लॉस्ट, जो काका जो कांगड़ा से था, ऐसे एकदम वो बैठ ही जाता था अनलेस उसके साथ तुम खड़े हो, हाँ जी सर, वो बहुत ज़्यादा वीक था ना, उसका जो वुंड था वो बहुत पुराना था, वहाँ पे भी उसकी ट्रीटमेंट चली थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड था, बहुत ज़्यादा पस थी, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट होते वो हमने कराए थे, उसमें भी काफ़ी उसके ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे। सर एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी? रेगुलर चेक्स में हमें पता चला कि वो एनीमिक भी है और उसके लिवर में भी प्रॉब्लम है, तो हमने उसके लिए सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी, साथ में उसको डायरिया भी हुआ, बहुत पतला डायरिया हुआ, तो उसके लिए मुझे एनीमिया के बावजूद भी उसको थोड़ी सी फूड थेरेपी करनी पड़ी ताकि उसको डिहाइड्रेशन से बचा सकूँ, पर अगले दिन जब हम सुबह आए उसकी डेथ हो चुकी थी। मेरे पीछे से एक चीज़ जो न्यूज़ आई, किंग, हाँ जी, तो वो तो ओल्ड एज सर, बहुत ज़्यादा एज और अगेन यहाँ पे वही कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे मैंने अभी कहा ना, मुझे पता है गुस्सा करना सही बात नहीं है, पर गुस्सा चढ़ गया। अब किंग गया, इसका मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मतलब वो ओल्ड एज से गया है, उसकी एक आखिरी जिंदगी के उसके आखिरी साल अच्छे बीते, पर फिर भी कहीं पे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जिसे काबू में करना मुश्किल है। इतने सालों से हमारे साथ था, उस पर किसी ने उबलता पानी डाल दिया था और तब वो हमारे पास आया था,
उसका वेस्टर्न मेडिसिन से इलाज भी नहीं हुआ, हमने कैलेंडुला क्रीम लगाई जो कि बड़ी महंगी पड़ रही थी, तो हमने कैलेंडुला उगाया और एक साल तक उसका इलाज चला, तब जाके वो ठीक हुआ, फिर हमने उसको अपने पास रखा। तो किंग तो चला गया, बट आई थिंक कि वो लकी है एंड आई कैन ओनली होप कि जो और गाय बैल सड़कों पे ऐसे तड़प तड़प के मर रहे हैं उनको किंग जैसी डेथ नसीब हो।